दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट के फिर से मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। किसी के साथ दूर तक जाकर देखो, फिर अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। कभी मिलो तो सही, तुम्हारे मुंह पे मारेंगे वो सारे ख्वाब जो तुमने हमें दिखाए थे। हमें पूछो क्या होता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, वो लोग अपनी औरतों की ऑपरेशन और डिलीवरी के वक्त लेडी डॉक्टर तलाश ना किया करें। अगर आपकी वाइफ में ये तीन खूबियां मौजूद हैं तो वो दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ है। नंबर एक, जब शोहर हुक्म दे तो उसकी इताअत करें। नंबर दो, जब शोहर घर से बाहर जाए तो उसके माल की हिफाजत करे और अपनी इज्जत की हिफाजत करे। और नंबर तीन, अगर आपको उसे देखकर दिल खुश हो जाता है तो समझें कि आपकी बेगम दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ है। अगर लोग आपका आसानी से यूज़ करते हैं और आपको धोखा देते हैं तो मेरी ये तीन बातें जिंदगी में हमेशा याद रखना। नंबर एक, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। और नंबर दो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा इज्जत अपनी करो। पहले इज्जत अपनी करो, उसके बाद दूसरे को इज्जत दो। और नंबर तीन और सबसे इंपॉर्टेंट, ना ना करने की आदत डाल लो। हां करना, हर बात पे हां करना छोड़ दो। कमाल करते हैं हमसे जलने वाले, महफल खुद की सजा के चर्चे हमारे करते हैं। अली भाई। जी भाई। जो लड़कियां बुरखा पहनती हैं उनके लिए एक लाइन हो जाए। जो लड़कियां पर्दा करके खुद को छुपा के रखती है ना, उनको दूर से ही देख के लगता है इस्लाम की शहजादियां आ रही हैं। अफ एदर गुनाह अल्लाहु अल्लाह। उसे उसे कह दो कि वो ज्यादा औकात औकात ना करे, मैं अपनी औकात पे आया तो उसकी औकात लिख दूंगा। पता है जिंदगी में आप जब भी कुछ न्यू ट्राई करोगे ना, तो पहले तो सब आपके ऊपर हंसेंगे और बाद में वही लोग आपकी कॉपी करेंगे। ना जाने मैं बुरा हूँ या मेरा नसीब, ना जाने मैं बुरा हूँ या मेरा नसीब, मेरा हर वो शख्स दिल दुखाता है जिस पर मुझे नाज होता है। शोहर और बीवी एक दूसरे का साया होते हैं। साये के बिना इंसान तन्हा रह जाता है। मर्द की अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत बेगर्ज होती है। माँ के गहने तक उतर गए बच्चों की किस्मत बनाने में, माँ के गहने तक उतर गए बच्चों की किस्मत बनाने में, और किस्मत वाले बच्चे माँ का चश्मा ना बना पाए सिर्फ पैसे बचाने में। कि जितना खून तू अपने शरीर में लिए घूमता है, एक औरत चार दिन में बहा देती है। मैं पीरियड्स की बात कर रहा हूं, मेरे दोनों बच्चों की पीरियड्स हैं क्योंकि छोटी है। जितना खून तू शरीर में लिए घूमता है, उतना खून एक औरत चार दिन में बहा देती है। ना मर्द है तू, किस बात का गुमान रखता है। वो मिट्टी से बनी औरत है, कभी अपना नाम आरती तो कभी नमाज बता देती है। बहुत शुक्रिया। बातें नहीं काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम दिखाई ज्यादा देता है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। भाई। हाँ। दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? पापा को गले लगाना। बड़ा अजीब सा है ना, लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जिनका आने वाला कल अच्छा हो, और लड़कों को वो लड़कियां पसंद आती हैं जिनका बीता हुआ कल अच्छा। दौरानी गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। तेरा दिया हुआ जख्म मेरे काम आ गया, तेरा दिया हुआ जख्म मेरे काम आ गया, भरी महफिल में मैंने बेवफा कहा और सबकी लबों पे तेरा नाम आ गया। ये कभी नोटिस किया कि यार कभी कभी ना कुछ लोग हमारी जिंदगी में आके 2 महीने में ही वो सब कुछ दे देते हैं जिसकी हम तमन्ना करते हैं,
लेकिन कुछ लोग 2 साल में भी वो नहीं दे सकते। यही तो होती है दूसरी मोहब्बत। दुनिया में क्या क्या बिकता है? यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, मेरा खुल के सांस लेने को दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, लेकिन यहाँ पे तो ऊंचा बोलने भी नहीं देते। ससुराल में बैठी एक लड़की ने कहा, ए खुदा गिर गए। विकास भाई आज ऐसा सुना जो दिल पर लग जाए। अच्छा भाई तो सुन, कि आज भी प्यार करता हूँ तुझसे, ये नहीं कि तेरे बाद कोई मिली नहीं। अरे मिली तो बहुत मेरी जान, के मिली तो बहुत मेरी जान, पर तू मुझे किसी भी चेहरे में दिखी नहीं। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात तो तलवार रख के बात करो, जबान वाले जबान को जबान से काटते हैं।